सर्दियाँ जब आती हैं तो हम मक्के से बनी हुई डिशेस खाना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो मक्के से बनी हुई डिश में से एक डिश आज आपके साथ मैं शेयर करने आई हूँ। आज हम बनाएंगे मक्के के ढोकले, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आपको मक्के के ढोकले खाना पसंद है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए मक्के के ढोकले बनाना शुरू करते हैं। ढोकले बनाने के लिए हमने यहाँ 500 ग्राम मक्के का आटा ले लिया है। ढोकले में डालने के लिए हमने यहाँ पे हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट लिया है। आधी कटोरी हमने मटर के दाने बिल्कुल पीस लिए हैं। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और यहाँ मेथी ले ली है आधी कटोरी बिल्कुल बारीक काट के, धनिया लिया है आधी कटोरी बारीक काट के। तो ये सारी सब्जियाँ ले ली है। ढोकले में डालने के लिए 200 ग्राम हमने दही लिया है। आधी कटोरी हमने मोइन देने के लिए ऑयल ले लिया है। खड़ा साबुत धनिया लिया है एक चम्मच और हमने यहाँ जीरा ले लिया है बिल्कुल बारीक कूट के। और एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक ले लिया है, हल्दी ले ली है, एक चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, 100 ग्राम हमने यहाँ बेसन ले लिया है और यहाँ हमने बेकिंग सोडा लिया है और ये हमने एक चम्मच अजवाइन ले ली है। तो सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। अब हम ढोकले का डो लगाएंगे। तो डो लगाने के लिए हमने बेसन डाल दिया है मक्के के आटे में। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप हाथों से अच्छे से मिला लें इसको। इसके बाद सबसे पहले हम मोइन लेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमें बाद में डालनी है। सबसे पहले हम आटे में अच्छे से मोइन देंगे। अगर आप सारी वेज पहले डाल देंगे तो मोइन अच्छे से नहीं लग पाएगा आटे में, इसलिए पहले आप मोइन दें फिर ही सारी चीज़ें आप इसमें डाल दें। तो ऐसे दोनों हथेली से मसल के आप अच्छे से मोइन दें, सारे आटे को अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये हमारा मोइन लग चुका है, देखिए मुट्ठी बन रही है। अब इसमें हम सब्जियां डालना शुरू करेंगे। तो ये दरदरी मटर हमने इसमें डाल दी है। इसके बाद हरी मिर्च इसमें डाल रहे हैं। अब हम यहाँ मेथी डाल रहे हैं इसमें। अगर आप हरी मेथी नहीं यूज़ करें तो आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं। और बाकी की बची हुई चीज़ें भी हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से मिला रहे हैं। इसके बाद आप साबुत धना डाल दें और जीरा डाल दें, अजवाइन भी डाल देंगे। इसके बाद मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, या आप आपके टेस्ट के अनुसार डाल दें। इसके बाद हल्दी पाउडर डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर 2 चम्मच डाल दिया है। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद मिलाएंगे सारे मसाले को। आप अच्छी तरह आटे के साथ सारी चीज़ें मिलाएं। इसके बाद दही डाल देंगे। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था पहले, फिर इसके बाद ही इसको डाला है। तो आप दही को डालते समय पहले दही को अच्छे से मिला लें। इसके बाद बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। बेकिंग सोडा हमने यहाँ 1 चम्मच डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। पहले आप दही में गूंथें। अब हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पानी का यूज़ करते हुए डो को लगाना है। तो ये डो हमारा लग के तैयार है। देखिए हमने डो को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट, आपको बिल्कुल मीडियम डो लगा के तैयार करना है। अब इसे हम ढक के कम से भी कम 20 मिनट का रेस्ट देंगे। तो चलिए ढक के रख देते हैं, 20 मिनट होने देते हैं। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो डो को चेक करेंगे। डो अच्छे से रेस्ट ले चुका है। इसके बाद 1 कटोरी पानी ले लेंगे। हथेली पर पानी लगाते हुए 1 लोई तोड़ेंगे।
और उसको बिल्कुल गोल गोल शेप में बनाएंगे, जैसे आप बाटी बनाते हैं ना, बिल्कुल बाटी की तरह ही इनको बना देना है। साइज आप कैसी भी बना सकते हैं, आप चाहे तो छोटी साइज में बनाएं या फिर बड़ी साइज में बनाएं। तो ये बिल्कुल मीडियम साइज में मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमने बेकिंग सोडा का यूज़ किया है तो ये फूल के बड़ी साइज में हो जाने हैं। आप चाहे तो मेंदू बड़ा के शेप में भी इनको बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे ढोकले बनके तैयार हैं, अब इन्हें हम स्टीम करेंगे। हमने यहाँ मोटे मोटे छिद्रों वाली एक छलनी ली है, तो छलनी पे हमें यहाँ ब्रश की सहायता से ऑयल लगा देना है। ऑयल आप स्टीम करते वक्त जरूर लगाएं, क्योंकि इसी से आपके ढोकले हैं वो छलनी से चिपकेंगे नहीं। तो ये हमने ऑयल लगा दिया है, इसके बाद इसके सेंटर में आप सारे ढोकले रख दें। ढोकलों के बीच में थोड़ी दूरी बनाए रखें। हमें यहाँ एक पतीला चाहिए होगा, तो गैस ऑन करके हमने गैस पे एक पतीला रख दिया है, उसमें हमने 3 गिलास पानी डाल दिया है। पानी जब आपका गर्म हो जाए तो आप ढोकले वाली छलनी इस पे रख दें और ढक के 30 मिनट के लिए पकाएं। 30 मिनट हो चुके हैं, अब ढोकलों को हम चेक करेंगे तो ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इन्हें हमें 5 से 10 मिनट ठंडा करके थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। गैस पे मैंने एक फ्राई पैन रख दिया है, फ्राई पैन में मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को हम गर्म होने देंगे, आप चाहें तो यहाँ तेल की जगह देसी घी का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने 1 चम्मच राई डाल दी है। राई जब अच्छे से गर्म हो जाए, पक जाए, उसके बाद आप इसमें ढोकले डाल दें। गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है, तो आप ढोकलों को किसी भी तरह से फ्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो काट के फ्राई करें, आप चाहे तो साबुत फ्राई करें। तो मैंने यहाँ पे 3 ढोकले साबुत फ्राई करिए हैं और 2 पीस मैंने यहाँ पे काट के फ्राई करे हैं। तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है, ये ब्राउन कलर के हो चुके हैं। तो आपको कम से भी कम 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही फ्राई पैन में फ्राई करना है। गाइस मक्के के ढोकले बनके तैयार हैं, आप इन्हें हरी चटनी या अरहर की दाल या फिर कढ़ी के साथ अपने घर पे बना के ज़रूर खा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी रेसिपी आपको